नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। मैं सनी कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जिसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्कैन करके जो है एकदम ओरिजिनल रूप में रख सकते हैं, उसको किसी को शेयर कर सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं जैसा कि स्कैनर से निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल में रख सकते हैं, बिना स्कैनर की मदद से अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच कर स्कैन करके रख सकते हैं, उसको जब चाहें तब किसी को शेयर कर सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं एकदम ओरिजिनल रूप में दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसको दुकान पर जाकर मेल कराने के लिए स्कैन नहीं कराना होगा, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके उसको डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना और वहां से जाकर कैम स्कैनर ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, फिर इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा पहले से और मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें रख रखे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है इसमें जो है अपलोड करने हैं और कैसे आप एकदम फ्रेश जो है जैसा डॉक्यूमेंट है वैसा फ़ोटो ले सकते हैं एकदम क्लीन, और उसे किसी को भी भेज सकते हैं, उसे PDF में कन्वर्ट करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और अच्छी तरह से जो है आप रख सकते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको जो है, तो यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ डॉक्यूमेंट पहले से रखे हैं, देख सकते हैं आप एकदम फ्रेश जो है डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसे किसी को भी PDF में है किसी को भेज सकता हूं या इसका प्रिंट निकाल सकता हूं एकदम ओरिजिनल रूप में जैसा कि स्कैनर से जो है निकलता है या होता है जो है। चलिए दिखा देता हूँ, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, मैंने सभी डॉक्यूमेंट को अपने इसी में जो है स्कैन करके रखे हैं। इसको मैं किसी को ईमेल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ दोस्तों बड़े आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ कैमरे के बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। यहाँ ग्रीटिंग कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रीटिंग कार्ड आप चाहे तो बना सकते हैं, कार्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा PPT का ऑप्शन भी यूज करते हैं, OCR और डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। ID कार्ड अगर आप चाहें तो अपना ID कार्ड देखिए इस प्रकार का ID कार्ड A4 साइज में जो है आप बदल सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड होता है फ्रंट साइड और बैक साइड, तो दोनों का फोटो खींचकर आप A4 साइज में इस प्रकार बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं दिखा देता हूँ, देखिए इस प्रकार आपको अपना ID कार्ड का फोटो खींचना होगा। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को कैसे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको सिंपली जो है डॉक्यूमेंट का फोटो ले लेना है। चलिए मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट है तो इस प्रकार आपको ले जाना है और यहाँ पर फोटो इसका खींच लेना है। चलिए देख सकते हैं इस प्रकार फोटो खींच लेंगे, फिर इसके बाद देखिए इस प्रकार जो है आ जाएगा। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, जो भी इधर उधर कट पिट करना हो आसानी से आप आराम से कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के बाद यहाँ पर रोटेट अगर करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर सही के क्लिक पर टिक कर लीजिए। देखिए ये अपने आप डॉक्यूमेंट एडजस्ट हो जाएगा, और देखिए इस प्रकार जो है आपका ये मैजिक कलर, यहाँ पर कई सारे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए मैजिक कलर एकदम क्लीन जो है आपका फॉर्मेट दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ आसानी से आप पढ़ सकते हैं इसे या किसी को सेंड कर सकते हैं या इसका प्रिंट निकाल सकते हैं एकदम साफ सुथरा प्रिंट निकलेगा। इसको आप जो है लाइटनिंग पर कर सकते हैं, जो है लाइटनिंग पर इस प्रकार आ जाएगा, ग्रे मोड पर, ब्लैक एंड व्हाइट पर कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पर, या कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिस प्रकार आप चाहे चूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको जो है सही पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए सेव हो रहा है, सेव हो गया हमारा ये जो है, देख सकते हैं सेव हो गया। आप इसको चाहे तो शेयर कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना है तो इसको डन कर दीजिए, ये इसमें ओके हो जाएगा। देखिए इस प्रकार अब इसको चाहे तो PDF में बदल सकते हैं या फोटो में रूप में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जो है किसी बुक को जो है PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका फोटो खींच कर आप आसानी से उसे बुक को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं एक इसमें और पेज ऐड करके दिखाता हूँ, तो आपको पुनः जो फिर से जो है अपने इस कैमरे के बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप जो है कैमरे के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज आ जाएगा। देखिए पेज को इस प्रकार फिर से फोटो ले लेते हैं, आपको जितने पेज ऐड करने उतने इसको जो है अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, जितना चाहे जो जिधर कट फिट करके सेट कर सकते हैं। इसका सही के निशान पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करते ही देखिए आपका ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार सेट हो गया। अब इसको जो है आप जिस मोड पर जिस कलर में सेट करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए,
क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला पेज भी, ये दोनों अटैच हो गया। अब अगर आप इसको पीडीएफ पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए दिखा देता हूँ। पीडीएफ पर जैसे क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है, मैं दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ में देखिए कन्वर्ट हो गया। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। ऐसे आप चाहे जितने पेज इसको ऐड करना चाहें आप बुक बना सकते हैं इससे आसानी से, और पढ़ भी सकते हैं इसका, तो बहुत अच्छा ऐप है जो है। चलिए और दिखा देता हूँ इसके बारे में। इससे आप आसानी से अपने सभी डॉक्यूमेंट, और यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको कैसा पीडीएफ में ऑप्शन मिल जाएगा, फोटो में ऑप्शन मिल जाएगा, और जो फोटो के रूप में सेंड करना चाहते हैं तो फोटो के रूप में, पीडीएफ के रूप में करना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है इस प्रकार जो है अपने आईडी को जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कोई भी आप जैसे कोई आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है, तो आप उसका उसको भी जो है आसानी से बड़े अच्छी तरीके से जो है उसका फोटो लेकर क्लीन एकदम रख सकते हैं इसमें जो है। तो ये बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों, इसके द्वारा आप किसी फोटो को जो है पीडीएफ में बदल सकते हैं और पीडीएफ को फोटो में बदल सकते हैं, और आसानी से जो है अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। अब मतलब आपको अगर किसी को अपना डॉक्यूमेंट मेल करना हो या कुछ भी करना हो तो आपको दुकान पर जाकर जो है स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से खुद से अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं एकदम ओरिजिनल फॉर्मेट में, देख सकते हैं यहाँ पर एकदम ओरिजिनल रूप में एकदम क्लीन जो है, और जिसको आप भेजेंगे या प्रिंट कराएंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही निकलेगा, बल्कि स्कैनर से अच्छा ही निकलेगा जो है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऐप है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूँ अच्छी अच्छी जानकारी के साथ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस ऐप का नाम है कैम स्कैनर जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसमें लॉगिन होकर अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं दोस्तों, या किसी को जब भी भेजना हो तो आप भेज सकते हैं एकदम क्लीन रूप में, या प्रिंट निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, आपको दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ।